सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 42 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर पहले सपोर्ट लेवल था 44 रुपए पर, जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं। इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया तो स्टॉक ने नीचे में 43 रुपए के प्राइस को रिटेस्ट करता है, जहां पर अब ये फ्रेश सपोर्ट लेवल बन चुका था और यहां से स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक दिखा रहा था। पर ऊपर में जो एक रुकावट रेंज थी वो 44 रुपए पर थी, पर जब स्टॉक ने अपने नए सपोर्ट लेवल यानी 43 रुपए के प्राइस को भी ब्रेक डाउन किया तो वहां पर स्टॉक के अंदर लगातार ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक के अंदर जो नीचे में फ्रेश सपोर्ट लेवल आएगा वो नीचे में 39 रुपए पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं इस पॉइंट पर। अब ये स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो फिर तो स्टॉक के नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे अराउंड 31 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो लास्ट टाइम आप इस स्टॉक को 39 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और ऊपर के टारगेट अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए आप इस स्टॉक को 50 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक का पिछला हाई है 60 रुपए, उस टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।